अस्सलाम वालेकुम, जलमी स्टूडियोज़ के साथ मैं हूं नज़ीर कुरैशी और मैं हूं अमानी एस्पाचन। सबसे पहले जलमी हेडलाइंस। केरस में जारी लोड शेडिंग से अवाम शदीद परेशान। केरस में अंधेर नगरी, कई दिनों से अंधेरे में डूबा केरस ताहाल बरकरार। अवाम सड़कों पर निकल आए टायर जलाकर एहतजाज। अवाम एहतजाज के बाद आला हुकाम के यकीन दहानी के बावजूद न फ्यूजिंग ख़त्म हुआ न लोड शेडिंग। फ्यूजिंग भी सिर्फ गरीब और आवाम तक महदूद। बासर अफराद के घरों में फ्यूजिंग न होने का इंकशाफ। आला हुक्म जल्द अज जल्द नोटिस ले, आवाम को सड़कों पर आने पर मजबूर न करे। गुज़श्ता दिनों केरस में होने वाले क्रिकेट मैच में डायमंड ए ने चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। 22 तारीख को होने वाला फाइनल मैच डायमंड ए और शाहीन ए के दरमियान खेला गया। डायमंड ए ने शाहीन ए को 2 विकेटों से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। जीत की खुशी में डायमंड ए ने कोई कसर बाकी न छोड़ा, गली गली जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। और मौसम की सूरत हाल जानने के लिए नवीद राणा की ये रिपोर्ट। आज के इसमें मौसम शदीद सर्द, दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा चंद दिनों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। केरल में शदीद सर्दी के बाइस कई जानवर हलाक, जानवरों में कुत्ते, बिल्लियां और बकरियां भी शामिल, कई जानवर शदीद जख्मी। आइंदा चंद दिनों में सर्द हवाओं के साथ मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ये थी मौसम की सूरत हाल। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और अमानी स्वचन को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए जलमी स्टूडियोज। जलमी स्टूडियोज, हर लम्हा बाखबर।